गाड़ी वाले का वेट कर रहे थे, काफ़ी वेट करना पड़ा। पार्टी कैसी रही? अच्छी अच्छी थी ना पार्टी तो? यार हम जा रहे हैं। टाइम क्या हुआ है अभी? टाइम बताना। टाइम 5:45। कौन सा नंबर? कैब वाला अभी तक नहीं आया है। मौसम बहुत ठंडा है और हमें बहुत ठंड लग रही है। अच्छा मनीषा, पहले कैब आने दे, फिर बता दे रहे मेरी बात। कैब वाला पता चले कैंसिल करके चला जाए, मिल ही नहीं रहे हैं। आई थिंक वो नहीं वो गाड़ी भी नहीं है। हमें लगभग 5 मिनट हो गए वेट करते हुए गाड़ी का। 5 या 10 मिनट है? 2 मिनट 10 मिनट 2 मिनट हुए मनीषा। अच्छा, पर ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितना टाइम हो गया हम यहाँ पे खड़े हुए। पहुँच गई है और अब हम जा रहे हैं। गाइस कई बार ना नंबर इन्होंने अपडेट करवाने को दिया होता है। फाइनली यहाँ पे हमारी कैब आ गई थी। हम तो देखेंगे अंधेरे में, बहुत अंधेरा है और अभी हम निकल चुके हैं एलांडे के लिए। मुझे पूरी दुनिया वहाँ पहुँची होगी। फाइनली हम एलांटे मॉल पहुंच गए थे और यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा क्राउड लग रहा था, पर हम लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम घूमने आए थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें आज। जब हम एलांटे पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पे एक ना जैसे शिमला जो कालका से टॉय ट्रेन जाती है वो आज यहाँ पे बनी हुई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम यहाँ से शिमला के लिए जाने वाले हैं टॉय ट्रेन से। गाइस और यहाँ मुझे देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ ही आ गई हूँ और ऐसे भटकती लोगों में बजती फिर रही थी। फिर मैं यहाँ से नीचे देखा तो मुझे कुछ ऐसा दिखा, बहुत ही सुंदर व्यू था नीचे का। गाइस और यहाँ लोगों को देखो, दीदी को भी देखो कैसे हाथों में अपने स्वेटर्स लेके घूम रहे हैं, अपने जैकेट उतार दिए लोगों ने, गर्मी इतनी उन्हें लग रही है अंदर, बल्कि वैसे बात। फाइनली फ़ोटोशूट ख़त्म करने के बाद हम फिर निकल गए
कुछ शॉपिंग करने। फाइनली गाइस यहाँ पे शॉपिंग हमने कर ली थी और अभी कुछ और फिर हमने ऑर्डर करवा ली एक स्पेशल थाली। खाना तो बहुत स्वाद था। उसके बाद खाना खा के मन तो ये हो रहा था कि बस सब घर निकले सी थे, क्योंकि थक चुके थे काफ़ी ज़्यादा और टाइम भी काफ़ी हो चुका था, 9:30 हो रहे थे। तो गाइस देखो कितना सुंदर लग रहा है ना बाहर से। तो फाइनली हम निकल गए अपने घर की तरफ। गए थे और आज हमने बहुत इंजॉय किया। आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ आज कौन था, तो वो मेरी ही फ्रेंड मेरे साथ गई थी घूमने, और जो मेरी फ्रेंड है वो पड़ोस में ही रहते हैं, ठीक है। तो आज इतना इंजॉय किया कि पैरों में भी दर्द होने लग गया है गाइस, और अब खाना बनाने की तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए खाना वैसे भी बाहर खा ही लिया था हमने। तो अभी बस हीटर सेक रही हूँ और अब सो जाऊँगी। वैसे मैं आप सभी को न्यू ईयर विश करके ही सोऊँगी, मतलब इन एडवांस विश करके सो रही हूँ। 12 बजे नहीं है, कल से मेरी नाइट से है, इसलिए आज टाइम से सोना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि लगातार फिर 3 दिन जागना भी पड़ेगा। तो आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना, और तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।